The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी और उसके साथ रिलेटेड दवाइयों के बारे में। होता क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान हम सब जानते हैं कि दवाइयां कम से कम खानी होती है, कई सारी दवाइयां नहीं खा सकते, और ओवर द काउंटर मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलने वाली दवाइयां कई लोग लेते हैं। कई लोगों को कुछ सर्दी खांसी हो जाए, कोई बुखार हो जाए, तो फिर सवाल आता है भी क्या ले क्या ना ले। कई लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक प्रेग्नेंट होने वाली महिला, प्रेग्नेंट होने के एक यंग कपल, सबको ये नॉलेज हो कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे पे क्या दवाइयां बुरा असर कर सकती हैं, और ओवर द काउंटर मेडिसिन जो कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं उनके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है। सो आज का टॉपिक इसी पे है। सो मेक श्योर करिए कि प्रेगनेंसी के दौरान अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से आप हमेशा इन टच में रहें, और प्रेगनेंसी से इवन पहले ही आप अपने विटामिंस, आयरन सप्लीमेंट्स, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब रेगुलरली लें प्रेगनेंसी से पहले। बहुत जरूरी है कि आप इन सब के बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और नॉलेज रखें। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। ऐसे ही चैनल पे हमारे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज हैं, ऑथेंटिक नॉलेज के साथ आपके साथ आते हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बच्चे पे अफेक्ट ना करें, या आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं ना, बच्चे को दूध पिलाते हैं, तब भी बच्चों को भी इफेक्ट कर सकते हैं, बच्चे में जा सकते हैं। इसीलिए अगर आप इस तरह की कोई सिचुएशंस हैं तो ध्यान में रखें कि अपने डॉक्टर से पहले बात करें कि मेरे को डायरिया है, मेरे को कोल्ड है, कॉन्स्टिपेशन है, उल्टी आ रही है, मैं क्या लूं। ठीक है, अब ओवर द काउंटर मेडिसिन आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 12 से 13 हफ्ते बिल्कुल अवॉइड करना है। दिस इज, ये वो टाइम है जब बच्चे को सबसे ज्यादा रिस्क होता है दवाइयों से। ठीक है, और कई सारी दवाइयां जैसे कि एस्पिरिन है ना, आपको खून पतला करने की दवाइयां, अनलेस आपकी कोई और बीमारी है, खतरनाक बीमारी, हार्ट की, ये वो, जिसके लिए आपको देना ही जरूरी है, तब नहीं तो ना लें। किसी प्रकार के दर्द की गोली, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन बोलते हैं इसको, एनसेड्स, वो नहीं यूज करें। तीसरे ट्राइमेस्टर में सबसे जरूरी, ठीक है, कौन सी चीज, वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी में नहीं, आपके, क्योंकि ये जो दवाइयां हैं ये हार्ट के डिफेक्ट्स, दिल के अंदर डिफेक्ट्स कॉज कर सकती है, हार्ट एबनॉर्मल बन जाएगा फालतू में, है ना, जरूरी नहीं है पर रिस्क बढ़ जाएगा। आइबुप्रोफेन या इस प्रकार की कोई नेप्रोक्सिन दर्द की गोलियां, और एक ही गोली केवल एसिटामिनोफेन यानी पैरासिटामोल, वो सेफ है अगर बहुत ही जरूरत है दर्द की दवा खाने की, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ समय के लिए ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ के लिए। ऐसा नहीं होगा कि वो रेगुलरली लेते ही जा रहे हैं, डोंट डू दैट। मेडिसिन का कॉम्बिनेशन भी ध्यान रखना कि ऐसी दवाइयां आती हैं सर्दी खांसी की जिसमें पैरासिटामोल भी है और फिनाइलेफ्रिन भी है, सिट्रिजीन भी है, और बथेरी एंटीहिस्टामिन्स हैं। सो ऐसे केस में आपको वो दवाइयां नहीं यूज करनी है। ठीक है, ऐसी चीजें नहीं यूज करनी है, आप केवल पैरासिटामोल यूज कर सकते हैं अपने डॉक्टर से बात करके। ये जो नेजल डिकंजेस्टेंस, एंटीहिस्टामिन, सर्दी खांसी की दवाइयां यूज करना अवॉइड करें। ठीक है, अपने डॉक्टर से बात करें, अगर जरूरी ही है आपको कोई एंटीहिस्टामिन लेना तो वो मिनिमम वाली दवाइयां, सिट्रिजिन जैसी दवाइयां बात करके आपको दे सकते हैं, जरूरत पड़ी तो। साइड इफेक्ट्स एंटीहिस्टामिन का क्या होता है, अगर आप लंबे समय यूज करते हैं तो वो बच्चे पे भी साइड इफेक्ट कर सकता है। इरिटेबिलिटी, बच्चे की ड्राउजीनेस, ज्यादा नींद आ रही है, बच्चा रो ज्यादा रहा है, नींद कम आ रही है, तो खासकर अगर ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तभी एंटीहिस्टामिन, और प्रेगनेंसी के दौरान भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकते हैं। दूध जो आपका बनता है उस पर भी इफेक्ट डाल सकता है अगर आप कोई एंटीहिस्टामिन दवाई लेते हैं, तो जरूरत पड़ने पर ही लें, और बिना उसके जितना मैनेज हो सके गर्म पानी पी के, शहद खा के, या अदरक वाले चाय पी के, ऐसी चीजें, वैसे तो चाय भी अवॉइड होती है प्रेगनेंसी में, मिनिमम कैफीन लेना होता है, बट एक आधी चाय पी सकते हैं, अदरक वाले काढ़ा ले सकते हैं थोड़ा बहुत, सो अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर। ठीक है, और बेबी के ऊपर साइड इफेक्ट्स उस दवा का है या नहीं ये देखना बहुत जरूरी है, खासकर अगर कोई किसी प्रकार का आपको रैश आ रहा है, और बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड कर रहा है, वो बच्चे पे अगर कोई भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रैश सिम्टम आ रहे हैं, तो भाई बहुत जरूरी है कि वो दवाई आप ना लें। नॉर्मली आप ध्यान किस बात का रखेंगे, आपके लास्ट पीरियड के बाद, दो हफ्ते के बाद आपका प्रेगनेंसी कंसेप्शन हो सकता है, तो लास्ट पीरियड के बाद, अगर आपके पीरियड होने के बाद में 2 हफ्ते के बाद, ये ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी का टाइम होता है, और दैट मींस अगर आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं आपको और ज्यादा 3 से 4 हफ्ते के बाद पता चलेगा। इसका मतलब ये है कि लास्ट पीरियड होने के बाद बच्चा आपका सबसे ज्यादा वल्नरेबल होगा, जब आपको पता ही नहीं आप प्रेग्नेंट है ना, वो एक
महीने का टाइम, 1.5 महीने 2 महीने उसके बाद भी आपको नहीं ज्यादातर लोगों को पता चलता कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो ऐसे एज ग्रुप में भी अगर आप हैं, आपकी शादी हो चुकी है, सेक्सुअली एक्टिव हैं आप, तो आप ध्यान रखें इस बात का कि भी आपका बच्चे को कहीं कोई गड़बड़ ना हो, तो अपने विटामिन लेवल सही रखें, अपने डॉक्टर से बात करके लें, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी चल के लें, और ऑब्वियसली ड्रिंकिंग स्मोकिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आप किसी प्रकार की इस प्रकार की रेगुलर दवा ले रहे हैं और आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, होने वाले हैं नहीं, हो सकते भी हैं, तब भी ध्यान में रखें कि इसको, वो सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए और क्या तरीके हैं, आप स्टीम इनहेलेशन से, सलाइन ड्रॉप से कैसे वो सिम्टम्स मैनेज करें कि अननेसेसरी लंबे समय दवाई ना खानी पड़े। सो आप अपने डॉक्टर से बात करें, गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, और अपनी प्रेगनेंसी को, अपने साइन सिम्टम्स को मैनेज करें, विटामिंस अपने टाइम पे लें, और कई सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन ध्यान में रखें। तो आई होप दिस हेल्प्स, प्लीज शेयर दिस वीडियो।